अमृतसर के गुरु रामदास हॉस्पिटल वल्ला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गुरु रामदास हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की सहूलत के लिए नए एटीएम का उद्घाटन मुख्य मेहमान जनरल मैनेजर मिस्टर संजय कुमार, रीजनल मैनेजर कवलजीत सिंह सैनी तथा ब्रांच मैनेजर गौरव गर्ग और गुरु रामदास हॉस्पिटल के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर ए पी सिंह, डायरेक्टर प्रिंसिपल गीता शर्मा तथा सेक्रेटरी मिस्टर जोगिंदर सिंह ने किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जनरल मैनेजर श्री संजय कुमार ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोगों को हर तरह की सहूलत देने के लिए सक्षम है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कैश संबंधी परेशानी ना आने पाए। इस अवसर पर सारा बैंक स्टाफ तथा हॉस्पिटल स्टाफ उपस्थित था। नमस्कार, मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ, भारतीय स्टेट बैंक का महाप्रबंधक। मैं आज यहाँ एक व्यक्तिगत कार्य के सिलसिले में आया था, लेकिन जब मुझे ज्ञात हुआ कि हमारी शाखा के साथ एक एटीएम आज काम करना शुरू करने वाला है, तो उस उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय हमारे जो क्षेत्रीय महाप्रबंधक हैं श्री कवलजीत सानी, उनके आग्रह पर मैं यहाँ आया। मुझे बड़ी खुशी है, इस शाखा में मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ और ये शाखा जो जो हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, उनके डॉक्टर्स और उनके स्टाफ के लिए बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर रही थी, ऐसा मुझे पिछली बार लगा। आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि पिछले 2 महीने में 3 महीने में जो एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस का सिचुएशन आया था बैंकों के लिए डीमोनेटाइजेशन के कारण, उस सिलसिले में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और स्टाफ मेंबर्स ने जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख सुख में उनका साथ दिया है। बहुत ही कठिन घड़ी थी हमारे लिए, परीक्षा की घड़ी, और उस परीक्षा की घड़ी में मोर और लेस हम लोग खरे उतरे हैं। अब हमारे लिए दो महीने का जो आगामी समय है ये काफ़ी बिजनेस वगैरह के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए ग्राहक सेवा सबसे ज़्यादा अहम होती है। और उसी सिलसिले में पिछली बार जब हम आए थे तो हमें पता लगा था कि शाखा में एक ऑन साइट एटीएम है, बट अंदर हॉस्पिटल के परिसर के अंदर एक और एटीएम लगाने से हमारे ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी, तो उसमें आज उस एटीएम का हम उद्घाटन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं एक और मेडिकल कॉलेज में भी एक और हम एटीएम लगा सकें जल्दी से जल्दी। ये भी हमारी कोशिश है कि हम एक ऑटोमेटिक जो पासबुक प्रिंटर मशीन होती है स्वयं, वो भी हम लगाएंगे। और इन 2 महीनों में हम शुभकामना देते हैं श्री कमलजीत सानी और इनके स्टाफ मेंबर्स और अधिकारियों को, ताकि अच्छा से अच्छा बिजनेस कर सकें। आपको मालूम ही है कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक के प्रोडक्ट्स जो हैं पूरे बाजार में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, न सिर्फ पर्सनल सेगमेंट के प्रोडक्ट्स बल्कि एसएमई में भी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अभी जस्ट एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो सिंप्लीफाइड कैश क्रेडिट स्कीम है छोटे व्यापारियों के लिए, 25 लाख तक की जिनकी लिमिट्स हैं, बिना बैलेंस शीट के हम लोग ये प्रोसेस करेंगे ये लोन। हाल में ही हमने शेयर किया है अपने अधिकारियों से, और आपसे भी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बताएं कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और बाकी प्रोडक्ट्स भी हमारे जो हैं वो सबसे बेहतर हैं, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस का हो, या फिर हमारे लोन प्रोडक्ट्स हों, या फिर हमारे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हों। इन सारे प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हम आपके माध्यम से अमृतसर के नागरिकों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, और उनका धन्यवाद भी करते हैं जिस तरह से उन्होंने हमारा शांतिपूर्वक साथ दिया। श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज उहदे विच जिहड़ा कंपलैक्स है उहदे च एटीएम दी जिहड़ी घाट है उह लोड बहुत महसूस हो रही सीगी, क्योंकि इत्थे पेशेंट्स भी आंदे, पेशेंट्स दे अटेंडेंट्स भी आंदे, स्टूडेंट्स भी आंदे, और खास तौर पर पिछले दिन जिहड़ी डीमोनेटाइजेशन हुई उहदे विच भी एटीएम जिहड़े ने उहदे ते लाइनां लगियां रहियां। सो असीं इहनां नूं रिक्वेस्ट कीती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले नूं कि साढ़े इत्थे कंपलैक्स विच जिहड़ा एटीएम जिहड़ा इंस्टॉल किया जाए, तो अज्ज मैनूं बड़ी खुशी की गल है कि अज्ज वो जिहड़ा एटीएम इंस्टॉल होया उहनूं इनॉगरेट किया गया, जिहदे वास्ते एरिया मैनेजर आए ने, जनरल मैनेजर आए ने। मैं उहनां दा इस गल्लों धन्नवाद करदा, और नाल मतलब मैं इस तुहाडे माध्यम राही उहनां नूं इह अपील करदा कि इत्थे एक क्योस्क ते एक प्रिंटिंग दी जिहड़ी मशीन है उह वी लगाई जावे, तां कि स्टूडेंट्स नूं जिहड़ा उहदा होर फायदा होवे। मैं समझदा कि इहदे नाल जिहड़ा पेशेंट्स ने और पेशेंट्स दे अटेंडेंट्स ने उहनां नूं इहदे नाल बहुत लाभ होएगा। बिल्कुल जी, मैन साहब ने सानूं इस गल दा विश्वास दवाया, मैनेजर गौरव हैगी, उह कहिंदे जी मैं इस एटीएम चों कैश नहीं मुक्कण देंगा, ते असीं इस गल नूं वैलकम करदे हां, इहनां दा स्वागत करदे इस गल दा। और मैं चाहुंदा है कि वैसे क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज ने इत्थे
24 घंटे एमरजेंसी चलती है, किसी को किसी वेले भी लोड़ पै सकती है। इस चो कैश खत्म नहीं होना चाहिए, वाहेगुरु कृपा करेगा नहीं खत्म होएगा।